खुदा के वास्ते आपा, अब तो बता दें कि हुआ क्या है। कुछ बता भी नहीं रही, जब से अम्मा से बात की है बस ऐसे ही परेशान बैठी है, रो भी रही है। क्या क्या हूर की तबीयत ज्यादा खराब है? हूर हूर हूर, बस कर दो हूर। इस घर में और भी लोग रहते हैं, जितना तुम लोग उस लड़की का नाम ले रहे हो ना, उतनी सर पे चढ़ती जा रही है वो। इसका मतलब बात कुछ और ही है। अच्छा ना, परेशान मत हो, मुझे बताएं, मुझे नहीं बताएंगी ना? तू मुझे बता, मैंने कब तुम लोगों का बुरा चाहा है? याद दिला दो मुझे, कब? नहीं नहीं आपा, ऐसा नहीं हो सकता। बात क्या हुई है? मुझे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। भला पूछो, बताओ मुझे कौन सा मकसद चाहा क्या है? मैंने छोटी सी थी तब से गोदों में खिलाया मैंने उसको, और अब उस हसबंद यार के पीछे सारी चीजें भूल गई है। पाप, पाप, अब आप जानती है ना उसकी तबीयत खराब है। कोई तबीयत खराब नहीं है उसकी। अभी अम्मी से जब फोन पकड़ा उसने और जो बकवास कर रही थी, तब सारा दिमाग चल रहा था उसका, हैं? हाय नमन, मैंने तो अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर ली है। मैंने तो सोचा था दोनों बहनें राज करेंगी उस घर में, हैं? लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी बहन तीर कमान लेके वहां पे खड़ी हो जाएगी। आए, मैं तो बर्बाद हो गई हूँ। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं, बर्बाद आपके दुश्मन हो। अच्छा ना, मत रोए, दिल पे मत ले, अल्लाह करेगा सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। और आपा, जैसे ही सब कुछ बेहतर होता है ना, आप हूर की शादी करवा दें। आप अपनी सास से बात करें ना। मैं नहीं शादी करा रही उसके अपने देवर से। हाँ, जा करने दे उसको ससुराल यार से शादी। जब होगी ना उससे शादी, तब मजा आएगा उसको। मैं भी इधर ही बैठी हूँ, देख लेती हूँ। बड़ी बातें की थी ना उसने मुझे, मैं नहीं बोलूंगी जिस तरह उसने मुझसे बात की। अब बस कर दो।